बताइए अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू करप्ट है कि नहीं? लालू चार बार कन्विक्टेड है, सुनिए, चार बार, 1 2 3 4 कितनी बार कन्विक्टेड है? पीडीपी के लालू यादव, लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? ये तो अपनी सत्ता के लिए पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हैं। अब पीडीपी के साथ कौन है? अब पीडीपी के साथ बना लेते हैं, लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं बता दीजिए, लालू प्रसाद अजीत पवार को बता दीजिए, अजीत पवार लालू यादव बताइए, ठीक है, अजीत हो गया, ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है, ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले, पहले कौन बोले, पहले आप बोले, आप बोले, चलिए अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी करप्ट, सेकंड कोर्ट डिसाइड करती है कन्विक्शन के बाद। जी अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है, एक सेकंड, ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्या? मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद चार बार है, हाँ या ना बोल दी, ठीक है भाई, उन्होंने जवाब दिया, मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? मुझे पहले से ज्यादा लालू चार बार कन्विक्टेड है, अब सुनेंगे चार बार कन्विक्टेड है, अरे चलिए बताइए लालू के बारे में बोला था क्यों करप्ट है? अब तो चार बार चाहता हूं, आप ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको देश मानते भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता है, बताइए ना, वीडियो सुना दे, सुना दो, अच्छा ठीक है, बौखलाहट यही है इनकी, दोषी कौन सुनना नहीं चाहते, देखिए बौखलाहट यही है, दोषी कौन सुनना नहीं चाहते, मैं तो पूछ रहा हूं, देखिए जो मोदी जी ने कहा था वो सस्ता है झूठा बता दे, जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है झूठा, केजरीवाल ने सोने को करप्ट बताया, मानते जो मोदी जी ने कहा था सस्ता झूठा, अजीत पवार को मोदी जी ने 70,000 का घोटाले में बताया था, जी 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 बताइए, एक सेकंड आपको 15 सेकंड दे दूंगा, अब इन्होंने कहा, चले हेमंत शर्मा बता दीजिए, अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत शर्मा नहीं है करप्ट, नहीं है करप्ट, क्यों लेके घूमते हैं आप, बोले सोने वाले के करप्ट के बताइए, अब बोले सोने के मंदिर वाटर स्कैम को घोटाले बाद, क्योंकि कोर्ट ने लेके घूमते हैं बताइए, चेक कर दिया, सोने के मंदिर वाटर स्कैम को घोटाले बाद, अब बोलिए सोने करप्ट, अजीत पवार बताइए भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, एक सेकंड, अब एक सेकंड मोदी झूठ बोल रहे हैं, एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जब तक कोई आदमी मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, अरे यार क्या ये बोल रहे मोदी झूठ बोल रहे, आपके पास आ रही बोलिए, ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होता, अजीत पवार का नाम ही नहीं लिया था, आप देख लीजिए वीडियो, पहले बताओ पीछे कौन बोलता है, अमित भैया बता दीजिए, आप दोनों बताइए, ये बता दीजिए कौन पीछे बोल रहा था, बता दीजिए, अब मत बोलिए, आप मत बोलिए, बीच में आप मत बोलिए, आप बोलिए, आप मत बोलिए, जैसे कोई तैसा आपकी तरफ आ रहा है, ओके, जैसे कोई तैसा, अच्छा ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं, ये बढ़िया, जो बीच में बोले वो करप्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब इनके इनके पैमाने को अपनाते हुए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट ये किसने कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक चार बार कन्विक्टेड है, क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? ठीक है जवाब देखिए, मैंने इनसे इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया, सबका गिनवा दिया, मैं कह रहा हूं, अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़े सच्चाई से लेता हूं, उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटाले बाद, और दो दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बगल में लाके उसको बैठा लिया, लालू यादव अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और लालू यादव भ्रष्टाचार में नहीं है, ये कैसा भ्रष्टाचार में बाहर है कि वो नारायण राणे जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर पे गई थी, उसको भाजपा में शामिल कर, लालू यादव तो कांग्रेस के टाइम पे कन्विक्ट हुए, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे भी जोर तो ओके ओके, अपनी पब्लिक पब्लिक भ्रष्टाचार पे पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी, एक सवाल जल्दी जल्दी अपनी राय रखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा है हाँ या ना में? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे मुख्य मुद्दे, वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही मेजर, बहुत समझदार ऑडियंस है, इसके लिए आप ताली बजाओ, और सबने भेद पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परिचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़, 15-15 हज़ार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमित जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे कैसे किया, सबूत दिए हैं, मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते
तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, ठीक 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 अजीत पवार ठीक है सरकार में ना होते, ठीक है मैं आऊंगा विवेक आपके जाऊंगा। एक सवाल और, एक सवाल और, जी जी सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इसको भरोसा, इनको भरोसा नहीं है, मैं इनसे कहता हूं, मैं हां मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है, ठीक है छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया नहीं, पूछे इनसे एक बार पंजाब में भी दिया गया। बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में एक पोस्टर रिलीज कराया है जिसमें न मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है न गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुज्जर नेता को हटा दिया गया है, बीजेपी उसको विषय बना रही है, यह एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं, भाटी जी क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर, क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए घूम के, क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है, घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे। मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो क्या खड़गे को गाली दे रहे थे, खड़गे मेरे बाप को पकड़ लिया, खड़गे ने मेरे बाप पे चले गए खड़गे, और अगले दिन खड़गे के प्रति सहानुभूति होगी। खड़गे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के वो पोस्टर में? अब कांग्रेस बीजेपी किसकी फोटो लगाती है इसको हमसे क्या, हमें क्या लेना देना, और कांग्रेस किसके लगाती है इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब जवाब, उन्हें अपना काम करना था। शहजाद शहजाद आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये क्यों, वो ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को निकाल के दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनका आप भी जानते हैं राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए, तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है मान ले। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल यह है कि देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न, करौली में दलित बच्ची के साथ रेप, एससी आयोग के अध्यक्ष ने करौली खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया, वहां पर जिस प्रकार से गुजर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा और वो भी बीएसपी से जुड़े हुए थे, आपके पास है डायरी? नहीं मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है, असली डायरी, असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे, और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी इनको तैयार नहीं। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुजर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं जो करप्शन वाली बात आई थी। आईएनडीए का जो अलायंस है बड़ा मजबूत अलायंस है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ थे या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में यह जरूरी है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन 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 उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ है। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए हमारे साथ मंच साझा किया और ऑडियंस आप बहुत शानदार थे, आपका जोरदार अभिनंदन। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही, उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो फिलहाल न्यूज इन इंडिया के आर पार के आज के एडिशन में इतना ही, नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज इन इंडिया।